पांचवें नंबर पे क्या है? प्राइस। हम देखेंगे प्राइस को कि एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम $8 एंड मैक्सिमम $25। यानी जो फर्स्ट टॉप 10 है उसमें आपका जो एवरेज जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो $8 से लेकर $25 तक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राइस $39 है, $49 है, $58 है, तो इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पे हम लोग मार खा गए। ठीक है, वो कैसे? जब इतने मतलब बड़े उसके आप लॉन्च करोगे तो इसको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है, जो शायद अक्सर लोगों के पास नहीं होता। अमेज़ोन पे लोग क्या कोशिश करते हैं? अमेज़ोन पे अक्सर लोग यही कोशिश करते हैं कि कम रेवेन्यू बजट वाला या कम प्राइस वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, जो उसको मुनाफा भी दे और उसके ऊपर बोझ भी ना हो। यहाँ पे ये क्राइटेरिया तकरीबन थोड़ा सा मुझे फेल नज़र आ रहा है कि टॉप 10 में जो है ना प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम $8 टू मैक्सिमम $25 टू इंश्योर टू नॉट द एनफ प्रॉफिट मार्जिन। लो प्राइस प्रोडक्ट हैज़ मोस्टली लो प्रॉफिट मार्जिन। इसमें कहते हैं जो आपके पास प्राइस जिस प्रोडक्ट की कम हो तो वो उसका फिर प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $25 से ज़्यादा ही चल रहा है तकरीबन। यहाँ पे ये बंदा मार खा गया, सही। अच्छा, उस सब पर आते हैं हम लोग वेरिएशंस की तरफ कि वेरिएशन इन साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 3 to 4। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, लेट से मैं कोई भी ये गन लॉन्च कर रहा हूँ, मार्केट में इस गन के 6 अकसाम पाए जाते हैं, तो मुझे 6 अकसाम के जो 6 टाइप्स हैं उनको अमेज़ोन पे भेजना होगा। अच्छा, एक प्रोडक्ट पे मतलब एक किस्म के एक वेरिएशन पे अगर फ़र्ज़ करो $2,000 मेरा ख़र्चा आ रहा है, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे $12,000 खर्च करने पड़ेंगे। वेरिएशन के बारे में क्या कहते हैं? वेरिएशन इज मस्ट नॉट टू बी मोर देन 3 to 4, ज़्यादा नहीं। इसमें हम देखते हैं ये कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, ये उससे डिफरेंट है, 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये तकरीबन ये और ये सेम है, 3, ये अलग है, चौथा, पांचवा, मतलब वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वेरिएशंस ज़्यादा आने की वजह से कि ज़्यादा बजट चाहिए, इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च नहीं कर सकते, वेरिएशन ने इसने मार खा लिया। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कम से कम आपको 25% रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अलीबाबा पे एक चीज़ परचेज करते हो, लेट से $10 का, अमेज़ोन पे आप बेचते हो उसको $35 का, ठीक है, तो आपके पास $25 जो मार्जिन आ जाता है कि $25 होते हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर करनी होती है। उन सब के कवर करने के बाद कम से कम आपको 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बचने चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक प्रोडक्ट $100 का है तो $100 में कम से कम एट द एंड आपको $25 बचने चाहिए। 20 भी बच जाए बहुत है, लेकिन ये क्राइटेरिया है, 25 इसने दिया हुआ है। कुछ लोग 20 पे भी एग्री करते हैं, कुछ लोग 25 पे भी एग्री करते हैं। ठीक है, अगला चीज़ हमारे पास आ जाता है वेट, के वज़न कितना होना चाहिए। वेट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट एज लो एज पॉसिबल, जितना भी वज़न कम होगा उतना ही अच्छा है। रिकमेंडेड 1 pound। इसका क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का जितना भी वेट ज़्यादा होगा, अमेज़ोन उसी हिसाब से आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। जितना भी प्रोडक्ट का वेट कम होगा, अमेज़ोन उसी लिहाज से आपको कम चार्ज करेगा। तो लोग लाइट प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हैवी प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए ये रिकमेंडेड 1 pound दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट का वेट क्या है हम ज़रा देखते हैं।
कि इस प्रोडक्ट का वेट क्या है। यहाँ पे जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस में, ये ज़रूर दिया होगा। ये देखिए आइटम वेट वेट जो है वो 2.88 पाउंड है। इसका मतलब इस क्राइटेरिया में भी ये फेल हो गया है। ये तीसरा क्राइटेरिया है जिसमें ये फेल हो रहा है ये प्रोडक्ट। अच्छा, नंबर 9 पे आता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ स्मॉल साइज। वॉल्यूम इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट। वजन से ज़्यादा वॉल्यूम, जितनी चीज़ जितनी प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा होगा उतना ही वो जगह ज़्यादा घेरेगा, उतना ही अमेजोन आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। तो आप जब भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर ले, आप लाइट वेट और कम साइज़ वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर ले, उसका ये है कि आप पे जो अमेजोन के चार्जेस होते हैं वो कम लगेंगे, वो भी आपके लिए एक किस्म का सेविंग हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइट वेट और कम साइज़ के होते हैं, लेकिन वो बड़े जो जिनका साइज़ बड़ा होता है उस प्रोडक्ट की कंपटीशन कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 10वें नंबर पे हमें क्या देखना है? ओवरऑल रेटिंग। ओवरऑल रेटिंग हम आते हैं इसी LM10 प्रोग्राम पे। ओवरऑल रेटिंग की हम बात कर रहे हैं, रेटिंग ये ठीक है। रेटिंग में क्या कहते हैं? रिव्यू रेटिंग ऑफ टॉप 5 सेलर मस्ट बी एटलीस्ट 4 और अबव। ठीक है, जो रेटिंग जो नंबर ऑफ स्टार देता है ठीक है, वो कम से कम आपका 4 या 4 से अबव होना चाहिए। जैसे कि रेटिंग है, इसमें इसको 5 रेटिंग मिला है, इट्स ओके गुड। ये भी 4.3 है ठीक है, ये 3.3 है, ये कम है। ये 4.6 ओके, 4.4, 4.2, 5, 4.6, 3, 4.5, तकरीबन इस कैटेगरी में इसने क्वालिफाई कर लिया है। पहले के जो वो है टॉप 10, उसमें 5 सेलर से ज़्यादा ऐसे थे जिनको रेटिंग 4 से ज़्यादा मिली थी, यहाँ से ये क्वालिफाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? फ्रेजाइल मटेरियल फॉर और एक्सपायरी आइटम। ये फ्रेजाइल मटेरियल कौन से? जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट किसी शीशे का बना हो, किसी ऐसे चीज़ से बना हो जो कि टूट सकती है, जो कि ख़राब हो सकती है, ऐसे मटेरियल को, ऐसे प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल लॉन्च नहीं करना। और साथ में ऐसे प्रोडक्ट को जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, लाइक फूड आइटम्स हो गया, लाइक मेडिसिंस हो गए, दूसरी चीज़ें, उनको आपने बिल्कुल उस कैटेगरी में जाना ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यार ये चीज़ अमेज़ोन पे अगर एक्सपायर हो गई तो वो आपके लिए एक नुकसान होगा। अमेज़ोन उसको रिटर्न अपने उसमें रखेगा कि भाई ये चीज़ एक्सपायर है, इसको हम सेल आउट नहीं कर सकते, जो कि आपके लिए नुकसान है। इसमें कहते हैं ब्रेकेबल आइटम्स लाइक ग्लास और फूड आइटम्स विच हैज़ एक्सपायरी डेट शुड नॉट बी सिलेक्ट। ठीक है, 12वें नंबर पे क्या है? वो कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट आप सिलेक्ट न करो। सीजनल प्रोडक्ट कौन से हैं? सीजनल पर नेवर लॉन्च अ प्रोडक्ट दैट इज सीजनल और ट्रेंडी, लाइक प्रोडक्ट मोस्टली यूज्ड इन विंटर और समर। जैसे कि अभी हम समर में आते हैं, तो समर में ये बाथ टब्स और दूसरे समर क्लोथ्स वगैरह जो है ना समर से रिलेटेड, वो ज़्यादा उनकी सेल होती है। लेकिन जो ही मौसम चेंज होता है, हम विंटर की तरफ जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग रेशो है या सेलिंग ग्राफ है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। डोमिनेंसी, ब्रांड डोमिनेंसी, आपने ऐसे प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना जिसमें कोई भी ब्रांड बैठा हो। नेवर अ सेलेक्ट अ कैटेगरी आर ब्रांड इन विच ऑलरेडी ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स आर वर्किंग। ठीक है, लेट्स से नाइकी है, वो शूज़ बनाती है, शर्ट्स बनाती है, आपने वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि सारा जो प्रॉफिट है वो वही लेके जा रहा होता है। बाकी जो उसके मुकाबले में होती है उनके रेवेन्यूज़ बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बकायदा ग्राफ में दिखाऊंगा कि
ये होती क्या है और इसको हम किस तरह हैंडल कर कर सकते हैं। दूसरा कोई भी ब्रांड हो गया, आईफोन हो गया, जो टॉप के वो हैं, उसके साथ आप लोग कंपटीशन नहीं कर सकते। तो आपने ऐसे ब्रांड में भी नहीं जाना, ऐसे प्रोडक्ट में भी नहीं जाना जिसमें ब्रांड डोमिनेंट बैठा हो, जो वहाँ पे सारा सरमाया अपने पास लेके आ रहा हो। कि अभी हम यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी का देखेंगे कि ब्रांड डोमिनेंट जो प्रोडक्ट है, अभी इसको हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट जूम इन करता हूँ, ये देखें। अभी इस प्रोडक्ट में जो सेल हो रही है, ये तीन ऐसी, ये तीन नहीं बल्कि एक ही कंपनी है, बूफी, ठीक है, बूफी कंपनी है। इसके सेल्स प्रोडक्ट जो हो रहे हैं वो 7000 4000 तकरीबन, ये 1700, ये इतने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो इसका रेवेन्यू भी देखें, रेवेन्यू भी इनका बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए बाकी लोग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनका कम सेल हो रहा है और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, उसमें हम आ जाते हैं फिर अगले, उसमें कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको काइंडली बिल्कुल इस सिलसिले में आपने बिजनेस नहीं करनी, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है इनको तो बिल्कुल आपने हाथ भी नहीं लगाना, इनकी तरफ जाना ही नहीं, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले आते हैं। जैसे कि किसी में कोई वायरिंग, कोई जोड़ तोड़, कोई कनेक्शन में कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम आ जाता है जो कि वो जल जाते हैं, उस पे कस्टमर क्या करता है, उस चीज़ को रिफंड कर देता है, जो वापस आपके खाते में आ जाता है और वो आपको नुकसान दे देता है, ठीक। फिर आते हैं हम लोग ऐसे प्रोडक्ट की जानिब भी, हम लोगों ने नहीं जाना जहाँ पे प्राइस वार चल रही हो। प्राइस वार का क्या मतलब, यहाँ पे देख ले, एक प्रोडक्ट है लेट से वो $65 का है, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ वो अपना प्राइस उसकी कम होती रही और आखिर में आके वो $30 पे आके रुकी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रेंडी प्रोडक्ट कहते हैं कि जिसकी एक ट्रेंड होती है, वो उसकी बूम होती है, वो ऊपर चले जाते हैं और एट द एंड वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट को भी हाथ नहीं लगाना जिसमें कस्टमर सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। लेट से ये इस तरह के प्रोडक्ट जिसको असेंबल करने के लिए कस्टमर जब उसको घर लेके जाता है, फिर मैनुअल देखता है, मैनुअल में जो है ना कैटलॉग जो बुक होती है उनके साथ उसको देखता है, उसके मुताबिक इसको जोड़ने की कोशिश करता है, उसमें उससे कोई भी चीज़ गलत हो सकती है जो कि वो वापस आपके अमेज़ोन के अकाउंट में वापस ला के रख देगा कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो यूज़र मैनुअल जिसके साथ होगी, ऐसे प्रोडक्ट को भी आपने बिल्कुल लॉन्च नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपके समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल का आइकन नहीं दबाया है, तो काइंडली आप लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल का आइकन भी दबाए, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।